हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अंकिता गोयल दिस साइड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूंगी, आप लोगों ने ऑलरेडी टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा जो लिपस्टिक का कलेक्शन है उसमें से मैं कुछ ब्राइट पिंक और फूशिया पिंक शेड्स आप लोगों को रिकमेंड करूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आते तो आप लोग उनको ट्राई आउट कर सकते हैं। तो मैं वन बाय वन सारे शेड्स का रिव्यू कर दूंगी थोड़ा सा और हैंड पर स्वेच कर दूंगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें, आप लोगों को काफी सारे पिंक लिपस्टिक के शेड्स देखने को मिलने वाले हैं इस वीडियो में आज। तो फर्स्ट जो मेरे पास है पिंक कलर की लिपस्टिक आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए, ये है डेली लाइफ फॉरएवर 52 की लिपस्टिक। ये सुपर मैट वाली रेंज है और ये ऐसी ब्लड साइज पैकेजिंग में आएगी। इसका प्राइस भी कॉस्टली नहीं है, आपको आई थिंक 350-400 में मिल जाती है और आप चेकआउट कर सकते हैं। आई थिंक ये नायका पर भी मिल जाए। तो अगर ये नायका पर अवेलेबल होगी तो मैं इसकी परचेज लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो इसका जो शेड है काफी प्रेटी है, पिंक कलर का ये वाला शेड है। इसका मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है। मुझे लगता है क्रीमी मैट है वाली रेंज, फुल मैट नहीं है, ये थोड़ी सी ट्रांसफर होगी। बट हाँ, ये लिपस्टिक अच्छी है, कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, हैवी नहीं लगती है और ये आपके लिप्स पर 6 to 7 hours स्टे करेगी। और रीएप्लीकेशन इसकी इजी है, हैवी मील पर ये सर्वाइव नहीं करेगी। इसका मैं हैंड स्वेच करके दिखा देती हूँ। ये देखिए काफी प्रिटी पिंक शेड है। जिन लोगों को ऐसे शेड्स पसंद हैं तो ये वाला शेड जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। मुझे ये शेड काफी पसंद है, मैंने इसको यूज भी किया हुआ है काफी बार और ये शेड काफी अच्छा है। पिंक लिपस्टिक जो लवर्स हैं उनके लिए ये शेड मुझे लगता है काफी प्रिटी है, ब्राइट पिंक शेड है। सेकंड जो लिपस्टिक है मेरे पास पिंक शेड में रिकमेंड करने के लिए, फेसेस कैनेडा की वेटलेस मैट फिनिश वाली है और इसका जो शेड है फूशिया पिंक है। ऐसे ब्लड साइज पैकेजिंग में आते, काफी अफोर्डेबल है, मैट फिनिश है इसका, लॉन्ग लास्टिंग है, कंफर्टेबल है। आपको सब जगह अवेलेबल हो जाएंगी, पर्पल पर, नायका पर, अमेजोन पर, अफोर्डेबल भी है, ओनली 299 में मिल जाएगी। तो इसका मैं हैंड स्वेच आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। काफी प्रेटी पिंक शेड है ये फूशिया पिंक कलर का, इसके अंदर पर्पल अंडरटोन है, पिंक कलर का शेड है, समर सीजन के लिए भी अच्छा है। जिन लोगों को ऐसे शेड्स पसंद है तो जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास नहीं है, ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, स्मज प्रूफ है वाली लिपस्टिक और वेटलेस मैट इसका फॉर्मूला है। तो ये वाला शेड आप देख सकते हैं, मैंने अभी हैंड पर स्वेच किया, काफी अच्छा है, आप इसको जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो लिपस्टिक है पिंक कलर की शेड में मेरे पास रिकमेंड करने के लिए, माइग्लैम का परफेक्ट कव मैट लिप क्रेयॉन। इसका भी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है, काफी प्रिटी पिंक शेड है और ऐसे ट्विस्टेड वाला है, शार्प करने की जरूरत नहीं है। और मेरे पास कूपन कोड भी मैं स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, 70% ऑफ में आपको मिल जाएगा मैट लिप क्रेयॉन। ये ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, कंफर्टेबल है। आप इसको जब लिप्स पर अप्लाई करोगे तो ये थोड़ी देर बाद ट्रांसफर प्रूफ होगा और इसके अंदर क्वांटिटी भी आपको अच्छी मिल जाती है, ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी नहीं है। इसका भी मैं हैंड स्वेच आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। तो ये वाला शेड देखिए काफी अच्छा शेड है, ये ब्राइट पिंक भी नहीं है, गर्ल्स के लिए अच्छा है, इजीली वो वियर कर सकते हैं। जिन लोगों को थोड़े लाइट पिंक के शेड पसंद है तो उन लोगों के लिए ये वाला शेड परफेक्ट है, समर सीजन के लिए भी अच्छा है वाला शेड। तो मैं जो सारे शेड्स रिकमेंड करूंगी वो समर सीजन के लिए परफेक्ट होंगे पिंक वाले। तो ये वाला मैट लिप क्रेयॉन आप जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं, मैट फिनिश वाला है ये और आपके लिप्स को ड्राई नहीं करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। नेक्स्ट जो पिंक शेड है मेरे पास रिकमेंड करने के लिए, ये NYWA की लिपस्टिक, ये मुझे फ्री मिली थी। मुझे इसका शेड नेम और रेंज का पता नहीं, मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी और प्राइस का भी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बट मुझे पिंक कलर का शेड काफी अच्छा लगा और ये ट्रांसफर प्रूफ भी है, ज्यादा ट्रांसफर नहीं होती है, मैट फिनिश वाली है ये और मुझे ये शेड भी अच्छी लगी समर सीजन के लिए। मैं इसका हैंड स्वेच आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। वैसे ये जो है इसकी पैकेजिंग बुलेट वाली है और ये अफोर्डेबल ही होगी, NYWA की जो लिपस्टिक होती है वो ज्यादा प्राइसी नहीं होती है। तो ये देखिए ये जो फोर्थ वाला मैंने अभी हैंड स्वेच किया है, ये वाला पिंक कलर का शेड है, काफी प्रिटी पिंक शेड है, ये फुल मैट नहीं है ये वाली लिपस्टिक। तो नेक्स्ट जो पिंक कलर की शेड मेरे पास है रिकमेंड करने के लिए, ये ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिप कलर। ब्रांड ने रिसेंटली इस रेंज का नेम चेंज कर दिया, हाइपर स्टे वाला कर दिया है और थोड़ा प्राइस भी इंक्रीज कर दिया है। आप उसमें शेड जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मेरे पास जो शेड है शेड नंबर 10 है, तो अभी ये वाली तो आपको मिलेगी नहीं, इसका जो न्यू वर्जन आ गया है न्यू वाला, तो आप वो जाकर ट्राई आउट कर सकते हैं और ये शेड भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मैं इसका हैंड स्वेच कर देती हूँ।
तो ये देखिए काफी प्रिटी पिंक शेड है, ये ब्राइट वाला पिंक शेड है, रेड अंडरटोन वाला। तो ये जो ब्लू हेवन के एलिगेंस मैट लिप कलर है, पहले तो ये 105 में मिल जाता था, बट जो अभी रिसेंटली ब्रांड ने इसका नेम और रेंज चेंज किया है हाइपर स्टे वाला, उसका आई थिंक प्राइस 115 है। तो ये वाला शेड काफी अच्छा है। तो ये लिक्विड लिपस्टिक है, अफोर्डेबल है, मैट फिनिश वाली है, थोड़ा आपके लिप्स को ड्राई कर सकती है, बट हाँ ये लिपस्टिक अगर आप लोगों को अफोर्डेबल लिक्विड लिपस्टिक चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। लॉन्ग लास्टिंग है ये, स्मज प्रूफ है। नेक्स्ट जो है मेरे पास पिंक कलर की लिपस्टिक आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए, शुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक है। तो मेरे पास इसका ये मिनी वाला वर्जन है, आप इसका फुल साइज ले सकते हैं। तो मेरे पास इसका जो शेड है वो ब्रिंक ऑफ पिंक और शेड नंबर ये 2 है, आप इसका फुल साइज जाकर चेकआउट कर सकते हैं नायका पर, शुगर की ऐप या वेबसाइट पर, जहां पर भी आप लोगों को ठीक लगे। तो इसका भी मैं हैंड स्वच कर देती हूँ। तो ये देखिए ये जो शुगर की स्मज मी नॉट लिक्विड लिपस्टिक है, ये काफी अच्छा पिंक कलर का शेड है। तो जिन लोगों को ऐसे शेड्स पसंद है तो ट्राई आउट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो मैट वाला है, फुल मैट वाला है, थोड़ा आपके लिप्स को ड्राई करेगा और ये ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, हैवी मील पर ही सर्वाइव करेगी। तो ये मास्क प्रूफ ये वाली लिपस्टिक, तो आप इसको ट्राई आउट कर सकते हैं, शेड भी काफी अच्छा है पिंक कलर का। नेक्स्ट जो शेड है मेरे पास पिंक कलर की आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए, वो लैक्मे की 925 प्राइमर प्लस मैट लिपस्टिक, और इसका जो शेड मेरे पास है पिंक परफेक्ट, और ये सिर्फ ब्लड साइज में आती है, और इसका आई थिंक रिटेल प्राइस 500 है। तो ये मुझे अच्छी लगी वाली लिपस्टिक, इसके अंदर प्राइमर भी है और मैट फिनिश वाला फॉर्मूला है, लॉन्ग लास्टिंग है, बट हाँ ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। तो इसका भी मैं हैंड स्वच आप लोगों को करके दिखा देती हूँ ये शेड का। तो ये देखिए काफी प्रिटी पिंक शेड है, समर सीजन के लिए परफेक्ट है, डे टाइम के लिए अच्छा है वाला शेड, बहुत ही सुंदर सा शेड है, गर्ल्स के लिए काफी अच्छा होगा, और प्राइमर प्लस मैट वाला इसका फॉर्मूला है, तो आप इसको जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है पिंक लिपस्टिक आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए, ये एनवाईवी की प्राइमर प्लस मैट लिक्विड लिपस्टिक, इसका मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर रिव्यू किया हुआ है। तो ये वाली जो लिपस्टिक है अफोर्डेबल है, लिक्विड मैट फिनिश फॉर्मूला है, इसका कम्फर्टेबल है, लाइट वेट है, और इसका जो शेड है पिंक कलर का ये ड्रीम डेट। तो ये वाला जो शेड है ये 3rd नंबर का, ये ब्राइट पिंक शेड है, काफी प्रिटी शेड है डे टाइम के लिए, और ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पर काफी अच्छा लगेगा ये वाला शेड, और मुझे काफी पसंद है। ये वाली रेंज भी मुझे सबसे अच्छी लगती है, एक तो ये कम्फर्टेबल है, लाइट वेट है, लॉन्ग लास्टिंग है, स्मज प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है ये वाली रेंज, तो आप ये वाला शेड जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। और ये कॉस्टली भी नहीं है, आप इसको बाय वन गेट वन में ले सकते हैं पर्पल की ऐप है वेबसाइट से। नेक्स्ट जो मेरे पास पिंक लिपस्टिक है आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए, लैक्मे एब्सोल्यूट की आर्गन ऑयल मैट लिप कलर। तो इसका जो शेड है मेरे पास है रग स्प्लैश, और ये ब्लड साइज पैकेजिंग में आती है, आई थिंक इसका जो रिटेल प्राइस है 400 to 500 में है, मैं स्क्रीन पर और मेंशन कर दूंगी। तो ये शेड भी अच्छा है डे टाइम के लिए, तो इसका भी मैं हैंड स्वच कर देती हूँ। तो ये वाला देखिए जो 4th कलर का शेड मैंने हैंड पर स्वच के, आर्गन मैट लिप कलर है लैक्मे का। तो ये वाला जो शेड है काफी अच्छा शेड है पिंक कलर का, तो मुझे लगता है ये शेड गर्ल्स को भी अच्छा सूट करेगा, तो आप इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये वाली जो लैक्मे की आर्गन मैट लिप कलर है, इसका जो फिनिश है मैट वाला है, बट हाँ ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, स्मज प्रूफ भी नहीं है ये, और लॉन्ग लास्टिंग है, 5 to 6 आवर्स आपके लिप्स पर स्टे करेगी, कम्फर्टेबल है, आपको हैवी फील नहीं होगा, हैवी मील पर ये सर्वाइव नहीं करेगी, री एप्लीकेशन ईजी है। नेक्स्ट जो मेरे पास पिंक लिपस्टिक है आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए, शुगर का लिप क्रेयन है मैट है जेल वाला। तो इसका जो शेड है मेरे पास है रोज टेलर, तो ये देखिए ऐसे आएगा, इसको शार्प करना पड़ेगा, ये ट्विस्टेड वाला नहीं है ये लिप क्रेयन, और इसका आई थिंक रिटेल प्राइस 899 है, और मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी अगर मैंने गलत बोला है तो। तो इसका भी मैं हैंड स्वच कर देती हूँ। तो ये देखिए जो शेड मैंने हैंड पर स्वच किया है, ये पिंक और पर्पल अंडरटोन वाला शेड है, फूशिया पिंक वाला शेड है ये। तो जिन लोगों को ऐसे फूशिया पिंक और पर्पल अंडरटोन वाले शेड्स पसंद हैं तो आप जरूर ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है ये शेड सारी स्किन टोन पर अच्छा लगेगा, और आप अपनी स्किन टोन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने जो हैंड पर स्वच किए, जो भी आप लोगों को पसंद है शेड आप ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये वाला जो शुगर का लिप क्रेयन है, इसका जो फिनिश है मैट वाला है, ट्रांसफर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, हैवी मील पर ये सर्वाइव ज्यादा नहीं करेगा, और ये कम्फर्टेबल है, लाइट वेट है, इजीली स्मूथली ग्लाइड होता है। तो लास्ट जो लिपस्टिक है मेरे पास पिंक शेड की आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए, सिस बीटी की SD मैट लिपस्टिक, ये ब्लड साइज में है,
अफोर्डेबल है। तो इसका जो रिटेल प्राइस है 299 और इसका जो शेड है मेरे पास ये फायर पिंक। तो ये जो सिस ब्यूटी की एस्टिमेट वाली लिपस्टिक है ये रिसेंटली लॉन्च है, ज्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है। इसका जो फिनिश है मैट वाला है, कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, इजीली और स्मूथली ग्लाइड होती है। बट हाँ, ये ट्रांजिट प्रूफ नहीं है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, हैवी मील पर ये सर्वाइव नहीं करेगी। रीएप्लीकेशन इसकी इजी है, इसका भी मैं हैंड स्वच करके दिखा देती हूँ। तो ये लास्ट शेड है मेरे पास, तो ये देखिए लास्ट मैंने जो शेड यहाँ पर हैंड स्वच किया है ब्राइट पिंक शेड है, डे टाइम के लिए अच्छा है। तो ये वाला जो शेड है ये फेयर टू मीडियम स्किन टोन पर अच्छा लगेगा और आप अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग ट्राई आउट कर सकते हैं। तो ये वाली रेंज भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं, स्विस ब्यूटी की लिपस्टिक काफी अच्छी रेंज है ये। सो ये थे मेरे पिंक लिपस्टिक, ये आपने देखा ही होगा यहाँ पर मैंने हैंड स्वच किए हैं। सो ये था मेरे पिंक लिपस्टिक का कलेक्शन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, होगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे वहाँ पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, दर्शाइनी अंकिता। और आप मेरी पुरानी वीडियोस भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसके अकॉर्डिंग आप वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।